अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बैंगन कढ़ाई। और इसके लिए अपने बैंगन को पहले हम करेंगे एयर फ्राई। और आपको आज सारा तरीका डिटेल में बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बैंगन। और बैंगन बहुत सारे लोगों को नापसंद होते हैं, मगर हम इनको आज इतना मज़े का, चटपटा और चटखारेदार बनाएंगे, और इतने मज़े के नए तरीके से बनाएंगे कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स में क्या है। सबसे पहले मेरे पास है बैंगन। इसको मैं आपको काटना भी बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से हम काटेंगे, ठीक है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास बैंगन है। उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं, ये मेरे पास चार बड़े साइज़ के टमाटर हैं, चार बड़े साइज़ के टमाटर, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। ये हैं तीन मीडियम साइज़ के प्याज, इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। अब आपको बताती हूँ कि ये क्या है। ये रहा दही, चार बड़े चम्मच दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चम्मच लहसुन, एक चम्मच अदरक, इन दोनों का पेस्ट, ठीक। तीन बड़े साइज़ की हरी मिर्चें, इनको काट लिया हमने। मसालों में इसमें क्या शामिल करेंगे वो आपको बताती हूँ। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा, ये है हमारे पास टाटरी, ये 1/2 टीस्पून है, ये इसको चटपटा और चटखारेदार बनाएगी। आपके पास नहीं है तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप थोड़ी सी इमली डाल सकते हैं, वो भी नहीं तो लेमन जूस ऐड कर लें। ये रहा हमारे पास चाट मसाला, ये 2 छोटी चम्मच चाट मसाला है। और ये इसके अंदर डालेंगे हम 4 गोश्त का मसाला, और ये इसको बहुत 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 मज़े का फ्लेवर देगा। ये 4 गोश्त का मसाला आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं, और रेडीमेड भी बाज़ार से मिलता है, आप वो ले सकते हैं। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट, और आपको बैंगन काटना बताती हूँ। बैंगन आपने इस तरह से काटने हैं, ये आपने लिया बैंगन, इसको ऐसे दरमियान में से काटा, ठीक है, कट लगाना, ये वाली साइड आपने इसकी नहीं उतारनी ऐसे, और ये भी इसका साथ ही काट लेना, ठीक, ऐसे। अब करना ये है कि आपने इसको इधर से कट लगाया ऐसे, ये वाली साइड नहीं कटी, ठीक है, इधर से कट लगाया दरमियान में से, फिर इसको ऐसे ऐसे काट लिया लाइक दिस, ठीक है, ताकि जो हम इसके अंदर मसाले डालें वो इसके अंदर तक चले जाएं और ये फुल ऑफ फ्लेवर्स बने, ठीक है। सारे बैंगन आपने इस तरीके से काट लेने, तरीके से सारे बैंगन हमने काट लिए हैं। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हमने आलू टुक वाली रेसिपी में किया था। अब ये सारे मसाले जो हमारे पास हैं इनको मिक्स कर लें, ठीक है, सारे एक जगह पे इकट्ठे कर लें लाइक दिस, सारे मसाले एक बाउल में डालने के बाद इस तरीके से उनको मिक्स करें, ताकि ये अच्छे से जो है वो जब हम बैंगनों के ऊपर लगाएं तो ये प्रॉपरली सारे मसालों का फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो हमने बैंगन काटे हैं, हमने ये वाला मसाला जो तैयार किया है ये इन बैंगनों के ऊपर लगाना है। आप चाहें तो चम्मच के ज़रिए लगा लें, चाहे तो अपने हाथ इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इस तरीके से इसको आपने लगा लिया, सारा फैला लिया, और फिर ऐसे किया इनको ओपन, ताकि इनके सारे सुराखों के अंदर मज़े से हमारा ये मसाला चला जाए। ऐसे करके इसको स्प्रिंकल कर लें व्यूअर्स। इस तरीके से आपने सारा मसाला अपने बैंगनों के ऊपर लगा लेना, और ये जो मसाला हमारा बच गया इसको आप साइड पे रख दें, ये हम अभी अपने ग्रेवी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इनको करना है एयर फ्राई। आप चाहें तो इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको एयर फ्राई करूंगी और आपको एयर फ्राई करने का भी तरीका सिखाती हूँ। सबसे पहले इनको अपने एयर फ्रायर में डाल लेते हैं, और एयर फ्रायर का आपने बाउल ग्रीस कर लेना है। ग्रीस योर पैन विद ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल कर लें इसमें। अब बैंगन अपने एयर फ्रायर में सेट कर लें। एयर फ्राई के बाउल में इसको सेट करने के बाद आप फिक्स कर दें, इसका टेम्परेचर सेट कर लें, 200 डिग्रीज इसका टेम्परेचर रखेंगे, और 20 मिनट्स इसका टाइमर हम लगाएंगे। इसको निकालें, ये देखें ये हल्का हल्का पकना शुरू हो गया। अब हमने इन सबको फ्लिप करना है, यानी कि इनकी साइड चेंज करनी है,
इस तरीके से। ये देखें कैसे हो गए हैं। अब इनको सारों को पलट लें। इनको जब आपने फ्लिप करना है तो साथ साथ इनको इस साइड पे ऑयल भी लगा लेना है। ये ब्रश के जरिए इसको ऑयल लगाएं और ऐसे फ्लिप करते जाएं। ऐसे किया, ऐसे ऑयल लगाया। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लगा लेंगे तो थोड़ा क्रिस्पी ज़्यादा हो जाएगा और पूरी फ्राइड वाली लुक आ जाएगी। ठीक हो गया। सबकी साइड भी हमने चेंज कर ली है, इनको दूसरी साइड पे ऑयल भी लगा लिया है। अब हम इसको दोबारा से एयर फ्रायर में डाल देंगे और बाकी के जो 10 मिनट हैं ये उसमें पक के तैयार हो जाएंगे। अब हमने अपनी ग्रेवी प्रिपेयर करनी है, तो इसमें सबसे पहले अपने पैन में डाल ले ऑयल। हाफ कप के करीब हमारे पास ऑयल है। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना प्याज का पेस्ट। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हुआ है, इस पॉइंट पे आपने अपना लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है और फिर इसको हिला लेना है। इसको भी हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज होना शुरू हो और इसमें से खुशबू आने लगे। देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया। और अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। ये डाल दिया टमाटर, इसको मिक्स कर लें। इसको मिक्स किया। अब जब ये सारा मिक्स हो गया तो फिर इसके अंदर जो हमारा मसाला बचा हुआ था वो डाल दें। 2 चम्मच इसके अंदर हमने ये वाला मसाला डाल दिया। आप इसको हसबे जायका एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितना फ्लेवर चाहिए आप उतना मसाला इसके अंदर डालें। ठीक है, जब इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो फिर आप इसको टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, जब टमाटरों का ऑयल सेपरेट होने लग जाए तो आपने इसके अंदर इस पॉइंट पे दही शामिल करना है। ठीक है, ये आ गया दही, इसको हिलाएं। और इसको भी हमने तब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट हो रहा है, हरी मिर्चें डाल दें इसमें इसके अंदर। काट के दोबारा बनाएं। हरी मिर्च डाल के इसको हिला लिया है। अब इसको ऑयल भी ऑलमोस्ट सेपरेट हो गया, ये देखें ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पे हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हम इसका चूल्हा करेंगे बंद और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे बैंगन। बैंगन हमारे एयर फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन बैंगनों को डालेंगे अपनी ग्रेवी के अंदर। और ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल उस तरीके की तैयार हुई है जिस तरीके की हमने बनाई थी सीख कबाब कड़ाही। और अगर आप चाहें तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस तरीके से आपने सारे बैंगन इसके अंदर शामिल करने हैं। ये देखें एयर फ्राई हुए कितने अच्छे तरीके से हैं, ये सो सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। चलें इन बैंगन इसके अंदर डाल लिए। अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा गिलास पानी का और फिर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हिला लेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट से हाथों के साथ। ठीक है, ऐसे करके इसको हिला लिया। बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन सी हमारी चटपटी सी चीज़ तैयार होने वाली है। बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से हमारे बैंगन तैयार हो रहे हैं और ये तो बिल्कुल बैंगन कढ़ाई बन गई है। दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट फेवरेट ऑफ योर चिल्ड्रन एंड एवरीबडी एट योर होम। अब हमने इसको मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पे आपने चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर देना है अपना और इसको ढांप देना है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसका ऑयल अच्छे तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा तो इसका चूल्हा बंद करेंगे और फिर यह तैयार है। ये देखिए जी, 3 से 4 मिनट पकने के बाद कुछ इस तरह की है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार हमारी बैंगन कढ़ाई बनके तैयार है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का लग रहा है देखने में। लुक एट दिस, कितने अच्छे से मसाला इसके ऊपर कोट हो गया। दिस इज सो सॉफ्ट और अंदर तक ये पक गया। मसाले इसके बिल्कुल अंदर तक चले गए हैं, इतने बैलेंस्ड और चटपटे मसाले हैं।
आप चाहें तो इसमें शोरबा भी बना सकते हैं, यानी कि थोड़ा पानी और ऐड करें तो इसका शोरबा बन जाएगा। चाहें तो इसमें ग्रेवी कम रख लें, मुझे ज्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैंने ज्यादा बनाई है। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।